फ्रेंड जल्दी से बात करते हैं, ड्रामा चल जैसे आपकी मर्ज़ी। अच्छा देखें सही कि किस तरह से जो अलीज़े हैं बिल्कुल ही ब्लाइंड हो गई। सीरियसली वाकई में ब्लाइंड हो गई है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही मैं क्या कर रही हूँ। और अब जी रमज़े की शादी है तो वो जा नहीं रही, और अब बस जी ये मेरे शोहर को ये क्यों कह दिया भाई तुम्हारी इकलौती बहन है। अक्सर फैमिलीज़ में ये हो जाता है, चलो कोई प्रॉब्लम है कुछ है तुम थोड़ी देर के लिए हो आओ ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, बट वो कह रही है कि मेरे हस्बैंड को ये कह दिया तो ये अच्छा। लेकिन जो चीज़ मेन मुझे फ़ील हुई वो ये है कि थोड़ा सा थ्रिल भी लाना चाहिए शायरी, जो कुछ भी करता चला जा रहा है किसी को क्यों नहीं पता चल रहा, कुछ ना कुछ थ्रिल कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, अभी तक होनी चाहिए ताकि पता चले कि लीजिए कि अबू या रमज़े क्या सोच रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाना भी चाहिए। तो देखते हैं कि अभी और मज़ीद कितने ट्विस्ट हैं इस ड्रामे में, ख़ासतौर पर शायरी की असलियत खुलने का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। और आप भी कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि वाकई में लीजिए को जाना चाहिए ना, आराम से वो चली जाए और रमजे की शादी में फजूल में अकड़ दिखा रही है, लेकिन देखते हैं और कितने ट्विस्ट हैं। इफ यू लाइक माय वीडियोस फ्रेंड प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।